तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एम एच के एस मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक रियलमी 2 प्रो का फ़ोन है, रियलमी 2 है फ़ोन। इसमें कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये जो है बिल्कुल नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और मैंने फ़ोन को अभी तक खोला भी नहीं है, ओपन भी नहीं किया है। तो मैंने बहुत सारे फ़ोन का रिपेयर किया हुआ है इसे, तो मैं सोचा कि चलो इस पर भी मैं वीडियो, इस पर मेरा वीडियो नहीं बना हुआ है। ये 3S MI 5 है, बहुत सारे फ़ोन पे बना हुआ है नेटवर्क से रिलेटेड, और रियलमी 2 पे नहीं बना हुआ था। तो चलिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूं और दिखा भी दूं कि डायरेक्ट अटैक हमें कैसे करना होता है, डायरेक्ट हमें कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ ख़राब है। तो इसी पर आज हमारी बात होगी और मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपको डायरेक्ट कैसे किस चीज़ पर आपको अटैक करनी है और एक बार में वन शूट में आपका प्रॉब्लम 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फ्रेंड। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर नहीं सीखना हो, अगर आपको पता हो तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर दे, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए मैं सारे स्क्रू को खोल लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरा हार्डवेयर का लेसन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पार्ट 3rd या 4th चल रहा है अभी, तो अगर नहीं देखे हैं तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है कि स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें बताता हूं, कंपोनेंट अभी चल रहा है, अगर आपको देखना है तभी से जुड़ जाइएगा तो आपको ज़्यादा वेस्ट रहेगा आगे समझने में। और जो भाई वोट किए थे कि ओनली एस्मेटिक के लिए, तो ओनली एस्मेटिक के लिए भी दूसरे चैनल पर एस्मेटिक रीड करना, कैसे आपको रीड करना है, कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करना है, तो उस पर भी पार्ट 2nd का वीडियो आ चुका है। तो आप लोग जाइए उसको देखिए, ब्लॉक डायग्राम कैसे रीड करना है तो मैं बताया हूँ, तो जाइए उसका भी वीडियो देखिए। और जो आपको ओनली एस्मेटिक रीड करना है उसमें आपको देखिए, ठीक है। और ये फ़ोन जो है लगभग लग रहा है कि कहीं से पहले अनलॉक कराया होगा शायद, इसी वजह से ये सा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको रिपेयर करना है वन शॉट में। और सबसे पहले आपको कैमरा वगैरह इसका खोल लेना चाहिए, क्योंकि हीट लगने से ख़राब भी हो जाता है कई बार। और आईपी वगैरह आप क्लीन करते हैं तो 100% है कि ये ख़राब हो ही जाएगा, आईपी थोड़ा भी पड़ता है तो ये ख़राब हो जाता है इसका लेंस। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, कस्टमर सामने रहता है और आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ वीडियो। तो चलिए, बोर्ड का कंडीशन आप देख लिए हैं, तो ये देखिए कुछ यहाँ से पतरा उतरा भी नहीं उतारा हुआ है ऊपर से। तो चलिए मैं इसको उतार के दिखाता हूँ आपको कैसे रिपेयर करना, और वीडियो को मैं कहीं एडिट नहीं किया हूँ कि आपको कोई तरह की दिक्कत आए फ्रेंड। तो अगर आप मोबाइल रिपेयर सीख रहे हैं, आप ऐसे ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सीखना है तो ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड, जो कि सारे फ़ोन में अप्रॉक्सीमेट आता ही आता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, जब भी आप पीसीबी स्टैंड में होल्ड करें तो हल्का पीसीबी दबाएं, ज़्यादा टाइट नहीं करें, नहीं तो पीसीबी बेंड हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी, नई नई जो वीडियो आती है तो हम उस पर बात करते हैं, ना कि पुरानी नोकिया फ़ोन पे, ठीक है। और हम जो हार्डवेयर लेसन स्टार्ट किए हैं बेसिक टू एडवांस, उसमें बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन का एस्मेटिक डायग्राम हो, क्या क्या प्रॉब्लम आता है फ़ोन में, हम उस पर बात करने वाले हैं। और हमारा चल भी रहा है, जो भाई देखते हैं उनको पता है, बाकी जिनको नहीं पता, जो नहीं देखे हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मैं आपको ये उतार के दिखाता हूँ पतरा, उसको उतारते हैं और कितना हीट में निकालना है ये सब मैं जो हूँ हार्डवेयर लेसन चलेगा उसमें निकालना है, कितना हीट और कितना एयर और इजीली निकल जाए हमारा, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर थोड़ा पेस्ट भी दे देता हूँ पतरा पे और मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इस पर थोड़ा पेस्ट दे देता हूँ, मैंने थोड़ा वीडियो को हल्का स्पीड प्ले कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने इसलिए स्पीड प्ले किया कि वीडियो
25-30 मिनट का हो गया था, ठीक है। तो इसलिए किया कि आपको ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं मिलता है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जो मेन चीज़ दिखाना है आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से पतरा निकल चुका है, और मैं हार्डवेयर लेसन बेसिक टू एडवांस में ही बताऊंगा कि आपको कैसे कितना हीट पे निकालना है इसको, ठीक है, कि भी इजीली निकल जाए। ये देखिए हमने टारगेट करना है, डायरेक्ट हीट करना है और निकालना है WTRIC को। जो क्वालकॉम बेस्ड फ़ोन होता है ज़्यादातर WTR ख़राब होता है, तो हमने ये देखिए WTR निकालूंगा और WTR चेंज करके आपको दिखाऊंगा। कि हमारा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है नहीं होता है फ्रेंड। तो हमने WTR निकाल रखा है इसको, तो चलिए हम इसको सामने में आप लोगों को रख देते हैं ताकि आपको भी पता चले हमने चेंज किया है, ना कि रिवॉल्व और रिप्लेस किया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं अब न्यू लगा के। इसमें मैंने रिवॉल्व करके पहले से रखा हुआ है और हम इसमें न्यू लगा के आपको दिखाएंगे। पहले हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि रिवॉल्व कर लेंगे, रिवॉल्व करने के बाद हम दिखाएंगे, सॉरी क्लीनिंग कर लेंगे डिसोल्डर वायर से। आयरन कोई भी आप यूज कर सकते हैं जगह के हिसाब से, आपको जगह जितना हो, मैंने बड़ा आयरन ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर आपको स्पेस अच्छा लगता हो तो आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आती है। बट थोड़ा ध्यान रखना होता है कंपोनेंट के साइड में, आपके साइड में कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, तो उस समय अगर कंपोनेंट मिस हो जाता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, 10-20 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए सारा चीज़ मैं बताता हूँ वीडियो में, है ना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखिए, तभी आप लोग समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्या बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अब लगा के दिखाता हूँ IC को। तो अगर हार्डवेयर लेसन आप लोग नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अस्मेटिक डायग्राम रीड करने नहीं आता है तो उसको सीखिए, और दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाइए उसको विजिट कीजिए और देखिए फिर, ठीक है। तो ये देखिए मेरा IC लग चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना होता है ईजिली। तो मेरा IC लग चुका है ये बिल्कुल इजी तरीक़ा से। तो यही इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए बहुत सारा वीडियो लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ फ्रेंड। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आप लोग को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा और समझिए कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसमें क्या डायरेक्ट मैंने इसको शूट किया WTRIC क्यों मैं किया, कि इसमें मैंने बहुत सारे चेंज किया था, और हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं होता है फिर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप मोबाइल रिपेयर सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखे उससे भी दबा दें, ताकि मैं जो न्यू से न्यू लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए आता रहता हूँ वो आपसे मिस ना करें। तो चलिए मैंने इसको क्लीनिंग भी कर लिया अच्छी तरह से, इसको टेप को निकाल देते हैं, एल्युमिनियम टेप को, सिल्वर टेप को। तो इसके बाद हम इसको बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसमें नेटवर्क हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड कि वीडियो को तो मिस ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको सारा कनेक्टर लगा के दिखाता हूँ कि हमारा जो है नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो हम दोनों सिम लगा देते हैं और देखते हैं नेटवर्क आता है नहीं आता। तो मैं फोन को ऑन करता हूँ तो फोन हमारा ऑन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, करीब 1-2 मिनट लग जाता है, 1 मिनट अप्रॉक्सीमेट। ये फ़ोन है फ्रेंड Realme 2, और इस जो मेथड है इससे आप कोई भी फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का क्वालकम बेस जो हो उसको एक बार WTR चेंज कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है नहीं होता। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा एक साइड ऑन होते ही नेटवर्क आ चुका है, ये देखिए ऊपर में। इसका लॉक हमें नहीं पता है, ये देखिए साइड में, ये देखिए नेटवर्क आ गया, वोल्टी भी लिख के आ गया साइड में, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड। तो हम इसको थोड़ा सिम को चेंज कर देते हैं, हो सकता है ये जो एक नंबर में है 3G वोल्टी है, इससे कुछ उसमें सेटिंग रहता है कई फ़ोन में कि एक नंबर में 4G होगा और 3G, ऐसे कुछ करके हो सकता है सेटअप वटअप हो, तो इसकी वजह से नहीं चल रहा हो। तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं दोनों सिम आता है नहीं आता है। तो फ्रेंड हम आप लोग जो भी दिखाते हैं बिल्कुल लाइव दिखाते हैं, और लाइव दिखाने का कोशिश करते हैं, लाइव दिखाएं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो फ्रेंड, ठीक है। तो अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, हम देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि नेटवर्क आता है या नहीं आता है फ्रेंड। ये देखिए फिर हमारे एक सिम में ही नेटवर्क आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड 100% आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो क्यों सॉल्व हो चुका है कि पहले नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो इस वजह से एक में नेटवर्क फुल आ रहा था, हो सकता है सेटिंग की वजह से हो ऐसा दिक्कत। तो ये देखिए फिर नेटवर्क आ चुका है और वोल्टी भी लिख के आ जाएगा फ्रेंड, ये देख लीजिए थोड़ा 4G लिख चुका है। हो सकता है इसका सिम स्लॉट खराब हुआ, कुछ भी हो, बट ये देखिए 4G लिख के आ चुका है। उस समय 4G नहीं आ रहा था वोल्टी, उस समय शायद जियो का काम कर रहा था, वोल्टी लिख के आ रहा था, और यहाँ एयरटेल अभी काम कर रहा है जो कि सिर्फ 4G लिख के रखा है फ्रेंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देख लीजिए यही फ़ोन है, यही बोर्ड है फ्रेंड हमारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।